कारपेंटर भाइयों के कमेंट आते हैं कि हमें कोई अच्छा सा प्लाईवुड रिकमेंड कीजिए। तो दोस्तों मैं जितना भी काम करता हूँ, जैसे अपना एलसीडी पैनल हो गए, किचन हो गया, अलमारियां वगैरह हो गई, तो मैं ई जीरो का करता हूँ। दोस्तों ई जीरो ग्रीन प्लाईवुड का क्यों करता हूँ, आम जो उनसे प्लाईवुड होते हैं वो जो कैटेगरी के होते हैं वो ई टू ई वन कैटेगरी के होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, स्मेल वगैरह बहुत ज्यादा आती है, वो हमें यानी कि काफी यानी कि हमें भी परेशानी होती है सांस वगैरह लेने में, कभी आंखों में जलन होगी, कभी कुछ होगा, तो इस तरीके की दिक्कत ई जीरो ग्रीन प्लाईवुड में नहीं आएगी। जो है इंडिया में ये अपना ग्रीन प्लाईवुड लेके आया पहली बार। दोस्तों इसके अंदर तीन खासियत और क्या है, इसके अंदर जैसे दीमक नहीं लगेगी, इंडिया में क्या दीमक की प्रॉब्लम बहुत है, हम कई बार कहते हैं फर्नीचर में इतना महंगा बनवा लेते हैं उसके दीमक की, इसके अंदर ये दीमक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों इसके अंदर फायर नहीं लगेगी, यानी कि आग नहीं लगेगी इसके अंदर, आग कैसे नहीं लगेगी, और अन्य कोई भी जो सा बोर्ड है हमारा अपना 70 से 75% यानी कि डैमेज हो जाएगा उसी टाइमिंग में, ये जो सा इसकी टाइमिंग है यानी कि 10 से 15% को डैमेज होगा, इसकी खासियत ये है। और जैसे दोस्तों हम कभी लॉन्ग टाइम के लिए जैसे घर छोड़ के 10-15 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं, हमें एक प्रॉब्लम क्या होती है, जब अलमारियां वगैरह जब हम खोलते हैं, किचन वगैरह खोलते हैं, या बेड के ढक्कन वगैरह खोलते हैं, उसके अंदर क्या फंगस वगैरह आ जाती है। तो दोस्तों इसके अंदर फंगस भी नहीं लगेगी। दोस्तों आपने वीडियो में बने रहना, और भी मैं कई बातें आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा जैसे जैसे मैं काम करता रहूंगा। वीडियो देखिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ये हमारी साइड तैयार हो चुकी है, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपना सागवान का बिनियर लगाएंगे। दोस्तों बिनियर इसलिए लगाएंगे क्योंकि जोनसी मैं ये प्लाई इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये तो आपको पता ग्रीन प्लाई बोर्ड की है, क्योंकि इससे ज्यादा और ज्यादा मजबूती आ जाएगी, कभी भी इनकी तह नहीं खोलेगी, यानी कि जो हमारा अगर 10 साल चलना है वही हमारा यानी कि 10 साल और चलेगा, यानी कि डबल हो जाएगी। इससे क्या होता है, एक तो फिनिशिंग ज्यादा आ जाती है, ये देखिए इससे कितनी फिनिशिंग, और कभी भी इसको पूरा पीस लगाना, हाफ करके नहीं लगाना, और एडहेसिव जो सा लगाना आपने अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करना है एडहेसिव के ऊपर, क्योंकि मैका वगैरह या मार्शल वगैरह लगाते हैं, एडहेसिव अच्छी कंपनी का आपने इस्तेमाल। दोस्तों जो सा बिनियर लेना आपने फर्स्ट क्वालिटी का लेना, ये ना कि मोटा पतला हो तो आपके साइज में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये हमने प्रॉपर साइज निकाला हुआ है। अगर बिनियर के ऊपर बात, बिनियर मोटा पतला होगा तो साइज में दिक्कत आएगी आपके। दोस्तों आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी सीखने के लिए, क्योंकि YouTube पर वीडियो तो काफी बनी हुई है, लोगों ने डाल रखे हैं, पर उनका सही प्रोसीजर नहीं बता रखा कैसे चलेगा। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो समझो आपको कभी इसमें शिकायत आएगी नहीं। दोस्तों बेड के अंदर जो से हम सपोर्टे डालेंगे वो हमने मरंडी की ली है, हमने 2.5 की लकड़ ली है, इसको भी खीस में से निकालेंगे, तकरीबन से 1.5 इंची की करीब निकलेगी, एक जैसा हम सेट करके रेखा लगा के फिर लगाएंगे, और जो सी बैक साइड में लगाएंगे वो भी हम 2.5x1.5 की लगाएंगे। दोस्तों सपोर्टें हमारी सारी तैयार हो चुकी हैं,
हमने गेज में से भी निकाल दिए थे, अब क्या करेंगे हम इसको और ज्यादा फिनिशिंग के लिए इसके इसमें क्या करेंगे हम लोग रेगमाल लगाएंगे। रेगमाल की मेरे पास और भी मशीनें, आप बोलोगे भी उनको क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि ये ज्यादा काम है तो हाथ थक जाता है, तो मैं इसके ऊपर मशीन के ऊपर ही हमने देसी जुगाड़ बना रखा उसके साथ करेंगे। ये किस लिए करेंगे, कल को हमारी ज्यादातर हमारी माता बहने इसके अंदर काम करती है कपड़े वगैरह, तो हाथों में क्या छिलत नहीं लगती, रफ बन नहीं आता। इसके फिनिशिंग देखना कैसी होगी, पहले फिनिशिंग कैसे है रंधे से पहले, अब मैं आपको फिनिश करके दिखाता हूँ आपके सामने। कितनी जबरदस्त फिनिशिंग आई है, बेशक इसके ऊपर आप जीप या टंस भी फेंक सकते हो। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप कभी ये मत सोचना कि कस्टमर को नहीं पता भी सफाई क्या चीज होती है, अगर उसको नहीं पता उसके किसी रिश्तेदार को पता होगा वो आपको बता देगा कि भी काफी रफ काम हुआ है। अगर बढ़िया काम चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। जैसे मैं ग्राइंडिंग इसके ऊपर कर रहा हूँ, कई बार क्या होता है हम लोग इसको ओपन छोड़ देते हैं, इसको क्या करना हमने इसको क्लोज कर लेना है, या तो दोनों इसके प्लेटें उठा के बंद कर लेना है, नहीं तो इसको प्लाई का पीस कोई ना कोई देता है। कई बार क्या होता है चांस होता है, जैसे हम यहाँ से रंधरे पीछे से भी आ जाता है लकड़ हिल जाती है तो हमारे हाथ लगने के इसमें चांस होते हैं, आपने सेफ्टी का जरूर ध्यान रखना है। तो दीवान कम बैठ का हमारा पूरा ये कंप्लीट हो चुका माल वगैरह इसका, अब हम इसको ठोकेंगे, यानी कि हम इसे ठोकेंगे, हमने इसमें कीले नहीं लगानी, हमने इसमें स्क्रू कसने हैं। दोस्तों आमतौर पर क्या होता है भाई कभी भी इसमें स्क्रू वगैरह प्लाई में कसते हैं वो क्या करते हैं ऊपर की प्लाई में हमारा स्क्रू टाइट हो जाता है, कभी भी आप जैसे इस प्लाई में हमने कसना है तो मैं एक बार दिखा दूं आपको, हमारा जो फर्स्ट वाली प्लाई में हम जब डाले कभी भी तो हमारा स्क्रू बिल्कुल ऐसे लूज होना चाहिए, नहीं तो पता है टाइट होगा तो यहीं पर ही हमारी कस हो जाती है, नीचे वाला जो हमारा पोर्शन होता उसमें टाइट नहीं हो पाएगा। अब जैसे ये है, ये हमने लगाना है इसके अंदर स्क्रू लगाने, मैं क्या करूंगा इसको पहले ही निशान लगा लूंगा, ये देखिए ये ऐसे आएगा पीस मेरा, ये मेरा 1.5 इंची बड़ा है क्योंकि आधी इंची का ढक्कन आएगा 1 इंची ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इसको मैं पहले ही होल डाल दूंगा, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। ये मैंने लिया पौनी 19 mm का, कितना हो गया अपना आधा, कितना हो गया 19 का आधा, अपना 1.25 इंची हो गया ना, अपना 6 सूत है तो इसका आधा 3 सूत हो गया, हम क्या करेंगे 3 सूत का पहले इधर निशान लगा लेंगे, ये देखिए ये मैंने किया, ये मैंने पहले निशान लगा लिया। अब क्या करेंगे, मैंने 1.5 इंची छोड़ा हुआ था, 1.5 इंची का मैंने ये छोड़ दिया, ठीक है। एक स्क्रू हम इधर कसेंगे, एक इधर लगाएंगे और एक इधर लगाएंगे और एक इधर लगाएंगे, तो मैं होल्ड कर रहा हूँ। इसके नीचे हमने कोई चीज रख लेनी है क्योंकि जिससे हमारा ये बोर्ड वगैरह के अंदर से आर पार ना हो, मेरी नीचे से फटे ना हमारा बोर्ड, ये अगर दोस्तों इसके नीचे हम ये बोर्ड ना रखते तो क्या होना था, ड्रिल मशीन ने जाना था फट जाना था, अब ये हमारा बिल्कुल ठीक है, हल्का हल्का इसको ऐसे रिमल मार देंगे, अच्छा बिल्कुल फिनिश आ गया। अब दोस्तों इसके अंदर स्क्रू है ना जो था इसी के अंदर भागा हुआ जाएगा, ये देखिए। अब क्या करेंगे इसकी कैप के लिए हम इसको थोड़ा सा और डाउन करेंगे, दोस्तों इसी तरीके से हम सभी पीस अपने तैयार कर लेंगे। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, दोनों पीसों को आपस में ज्वाइंट करेंगे, ज्वाइंट कैसे करेंगे, पहले एडहेसिव के अंदर लगा लेंगे, एडहेसिव में कोई कंजूसी नहीं करनी, अच्छी तरीके से लगाना है। उसके बाद क्या हम करेंगे, 17 नंबर की कील लेंगे, हल्की लगाना जो हमने इसको स्क्रू के साथ है क्योंकि अटक जाएगा दिक्कत नहीं आएगी,
और मैं इसके अंदर ये 2.5 इंची के स्क्रू ले रहा हूँ, तो इसको भी हम क्या करेंगे, हल्का हल्का सा फेविकोल लगा के हमने लगाना है। जैसे ये मैंने फेविकोल लगा दिया, इससे क्या होगा, पकड़ इतनी अच्छी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ये देखना, और एक नीचे लगा लेंगे। आप चाहे तो इसमें एरलेडेट का भी काम कर सकते हो, लगा सकते हो। और दोस्तों गीले कपड़े से आपने अंदर बाहर दोनों तरफ से साफ कर देना है। दोस्तों ये देखो कितना तगड़ा ज्वाइंट आया, इधर अंदर से आप देखिए, देखिए फेविकोल भी खींच के निकल गया। कहते हैं ना, दादा ने खरीदा पोता बरते, ऐसा होता वो वाला काम। और दोस्तों इसी तरीके से हम दूसरे वाला भी हम पक्का कर लेंगे अपना। तो सुराख हमारे कंप्लीट हो गए थे, अब क्या करेंगे, हम नीचे वाली बीडिंग पहले लगा देंगे, जिसके साथ हमारा बक्सा चलेगा, क्योंकि ऊपर की बीडिंग तो उसके लेवल से आएगी। हम इस बीडिंग को यहाँ से 1 इंची छोड़ देंगे और यहाँ से 4 इंची छोड़ के लगाएंगे। ये ऐसे लगेगी। उसमें भी इसी तरीके से हम लगा लेंगे। दोस्तों अब हम सेंटर सपोर्ट लगाने लगे हैं। हम क्या करेंगे, जो सी 10 नंबर की कील है उसका पहले हम सुराख करेंगे दो, क्योंकि इसके अंदर जो सी हम कील मारेंगे 5 इंची की मारेंगे। दोस्तों दोनों तरफ के हमारे बटन लग चुके हैं ये। अब इसके ऊपर हमने 12 mm का ढक्कन डाल दिया, इसके ऊपर प्लाई फिट करेंगे। दोस्तों ऊपर की अब हम इसकी प्लाई फिट करेंगे, इसको फेविकोल लगा लेंगे। दोस्तों ये हमारी प्लाई ऊपर से कंप्लीट हो चुकी है, हमने इसके अंदर कीले मार दिए चारों तरफ से। इसके अंदर जो सी आपने कील मारनी है, सिर वाली मारनी है 1 इंची 17 नंबर की, हेडलेस वाली नहीं मारनी आपने। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका यहाँ पर 0.25 इंची का बटन लगाएंगे। यहाँ पर 0.25 इंची का बटन इसलिए लगाएंगे क्योंकि दूसरे वाले बक्से की यहां से रोक हो जाएगी। और दोस्तों एक पॉइंट और है, अब मैं आपको बताऊंगा इसके व्हील कैसे फिट करने हैं। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, यानी कि बहुत कुछ आपको यहां से देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो के अंदर। दोस्तों ये वाला पीस जो सा मैं लगा रहा हूँ, ये 12 mm की प्लाई ले रहा हूँ और ये कम से कम है 0.25 इंची के करीब है, क्योंकि इसमें जब हमने कीले लगानी है जिग-जैग करके लगानी है, क्योंकि जो सा हमारा बक्सा आएगा यही सपोर्ट करता है, ना कि लकड़ की लगाओगे इतनी कामयाब नहीं होती ये, क्योंकि 12 mm की प्लाई की लगानी है आपको, 12 mm की प्लाई की इसलिए आपको बोल रहा हूँ, ना कि इसके जितना आप इसमें प्लाई जाते हो ज्यादा बड़ मोटी लगाओगे ना
तो उतना ही हमारा ये वाला बक्से में और छोटा बनेगा। दोस्तों एक मैं आपके 2 मिनट लूंगा आपसे, क्योंकि जो सा मैं इसके अंदर बोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ग्रीन प्लाई बोर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों सबसे बड़ी इस बोर्ड की पता खासियत क्या है, इसकी जो सी ये थिकनेस है पूरी 19 mm है। तो इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, अभी क्यों औरों से अलग क्यों है, थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा इसको सुनना। हो सका कईयों को ना 90% कारपेंटर भाइयों को नहीं पता हो इस चीज का, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। तो चलिए थोड़ा सा स्टूडियो चलते 2 मिनट के लिए। जलन सी हुई, वो कहने लगे यार ये तो जलन बड़ा कर रहा है। वो मेरे ख्याल मुश्किल से 5 मिनट उस गोदाम में रुका, वो वापस आ गया, कहता यार इस प्लाई बोर्ड का काम मैंने नहीं कराना, ये तो बहुत ज्यादा वो करेगा। फिर मैंने दुकानदार को बोला, मैं कोई यार कोई ऐसा प्लाई बोर्ड बताओ जो उनसे ऐसी जलन। फिर उन्होंने बोला, कहता है E0 ग्रीन प्लाई बोर्ड का आता है E0, जैसे आप देख रहे हो। दोस्तों इसकी इतने इसके फायदे ना हद से ज्यादा फायदे हैं। जैसे ये किसी कस्टमर के, जैसे मैं वर्कशॉप पर तो बना ही रहा हूँ, मेरे से 3-4 वर्कर और भी लगे, वो भी काफी खुश है, कहते हैं ना तो इसमें आंखों में जलन हो रही है, ना तो हाथों वगैरह में जलन वगैरह हो रही है, ना तो साफ सा ऐसा घुटना जैसे और नॉर्मल प्लाई बोर्ड से होता है। वो कौन से प्लाई बोर्ड है, E2 हो गया, E1 हो गया, वो बड़ा खतरनाक है। इसके अंदर जैसे हमने जैसे ये बनाया ना, जैसे मैं दीवान का बेड बना रहा हूँ, हर्ष जी के ये घर जाएगा, तो वहां पर क्या होता है, जैसे बेबी भी होते हैं, बुजुर्ग आदमी भी होते हैं हमारे, तो ज्यादातर वो क्या टाइम जितना भी है ना बेडों के ऊपर बीतता है उनका। जैसे फर्नीचर प्लाई बोर्ड हो गया, बोर्ड कवर वगैरह हो गया, एलसीडी पैनल हो गया, तो सारा आजकल हम इसी से बना रहे हैं। तो घर में अगर लोकल प्लाई बोर्ड होगा, जैसे E2 E1 हो गया, तो उससे ज्यादा क्योंकि स्मेल इतनी ज्यादा घर में आ जाती है कि आदमी को जलन सी होती है, फील आदमी सोचता है ये नॉर्मल चीज है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस प्लाई बोर्ड से ऐसी चीजें नहीं होगी। जैसे अब गर्मियों के टाइम में हम लोग एसी चला लेते हैं, सारे रूम वगैरह बंद कर लेते हैं, उस टाइम दोस्तों इतनी जहरीली गैस हो जाती है, वो ज्यादा खतरनाक होती है, इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि हमसे बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं होते हम लोग, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे हमने क्या करते हैं, डबल बेड में रजाइए या कंबल वगैरह रख देते हैं, रात के टाइम जब हम उनको निकालते हैं, जब हम अपने ऊपर लेते हैं, वही जहरीली गैस हमारे अंदर जाती है। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, लंग्स की प्रॉब्लम होती है, कई बार इसके अंदर कैंसर के भी रिजल्ट आए हैं, जिनका कैंसर का कई बीमारियां आती है, बड़े लॉन्ग टाइम के बाद हम लोगों को पता लगता है इसके रिजल्ट का। दोस्तों ये देखिए यूरोप की कंट्री से भी इसको मान्यता प्राप्त हो रखी है, क्योंकि ये E0 की कैटेगरी में आता है। और देखो बाकी मैं डिटेल बोल देता हूँ, अगर बोलूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ये देखिए सामने देखिए, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, चलिए दोस्तों यहां से हमने काम छोड़ा था वही चलते हैं, आपने वीडियो बीच में स्किप नहीं करनी, चलते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसका साइज जो है ये वाले बक्से का कैसे लिया जाता है। पहले हम इसको ओपन कर लेंगे। दोस्तों कभी भी आप लगाओ ना फ्राई रेल के भी लगाओ, क्योंकि इनके भी लगाने का तरीका है, ये भी मैं बताऊंगा जब बक्सा बनाएंगे भी इसको लगाते कैसे है। कई भाई कहते हैं हमारा बक्सा सही बैलेंस में नहीं चलता, इनको भी लगाने का तरीका है। खुलेगा क्योंकि कभी भी लगाओ सिक्सर व्हील ही लगाओ, कभी यानी कि आपको कंप्लेंट नहीं आएगी, क्योंकि एक तो इसकी जो ये पत्ती बड़ी हैवी ड्यूटी होती है, क्योंकि ये कभी बैठता नहीं है और ना इसके ये कभी फटते हैं, यानी कि इनका बैलेंस जो सा होता है ना एक जैसा ही होता है तीनों का, यानी कि ये नहीं होगा कोई कम बढ़ती होगा, तीनों का बैलेंस एक जैसा होता है। कई लोकल में क्या होता है किसी का बैलेंस कम है तो उसमें क्या होता है कभी ये लग गया बक्सा ऐसे टेढ़े मेढ़े चलता है, ये चीज हमारी यानी कि खराब हो जाती है। हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे ये मैंने रख दिया व्हील रख दिया, ये मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब हमें नीचे का करना, आधी इंची की दर्ज रखनी है इसके साथ। ये देखिए ये मैं ऐसे देखता हूँ, ये मेरा है समझ लो 1.25 इंची के करीब है, 1.25 इंची है, तो ठीक है 1.25 इंची ये हमारा अंदर चले जाएगा, हमारी आधी इंची की दर्ज आ जाएगी सामने, ठीक है ना, समझ गए ना। ये देखिए 1.25 इंची है, 1.25 इंची अंदर जाएगा, क्योंकि 1.25 इंची का हम बटन रखेंगे, प्लाई का बटन मारेंगे, जो हमने लकड़ी नीचे की तैयार कर रखी है वो 1.25 इंची की कर रखी है। हम इसको ऐसे ही रखेंगे, ये देखिए, इसको बड़े ध्यान से देखना, बड़े आराम से समझना इसको, क्योंकि जो से हमने बफर लगाने हैं इसके नीचे, क्योंकि ये मैंने रख दिया, क्योंकि मैंने बफर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे सरमैका लगाना, फिर मुझे इधर दिक्कत होगी, ये मैंने बफर रख दिया। ये देखो जितना आपने जमीन से इसको उठा के रखना है, या आधी इंची या 1.25 इंची, तो उस हिसाब से, क्योंकि ये ज़्यादातर अपना आधी इंची का ही बफर अच्छा लगता है, तो हमने इसको नीचे रख दिया ऐसे।
उसके बाद क्या करना है, जोन सा हम अपने बक्सों को तैयार करेंगे, जितना हमें मार्चन चाहिए अपना मार्चन भी हमने रख लेना चाहिए मार्चन साथ में, क्योंकि नीचे भी मार्चन लगेगा इसके ऊपर भी मार्चन लगेगा, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारा यहाँ आ गया, ये हमारा इधर आ गया, ऊपर से जोन सा मैंने छोड़ा है ये मैंने 2 इंची छोड़ा है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ये मैंने जोन सी लकड़ ली है मैंने 1.25 इंची की ली है, ये वाली लकड़ ली है मैंने 1.25 इंची की ली है, और ये आधी इंची है। ठीक है जी, ये कितना हो गया, 1.25 इंची हो गया। तो मैं इसके अंदर जोन सी दर्ज रखूंगा, मैं 2 सूत की रखूंगा, ये मैंने 2 इंची का नीचे निशान लगा दिया, ये देखिए ये नीचे मैंने 2 इंची का निशान लगा दिया, ये मैंने लगा रखा है आपको दिखाने के लिए, आपको पता लग जाए। ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मेरा कब्जे की गेड़ी भी आएगी, 1.5 सूत का तो कब्जा भी होगा, तो इसके अंदर बड़ी आसानी से चलेगा। और जोन सा मैं इसके ऊपर गद्दा इस्तेमाल करूंगा, ये मेरा 2 इंची हो गया, यानी कि ढक्कन मेरा यहां तक आएगा, ठीक है ना, ढक्कन के साथ मेरा यहां तक आएगा, ये मेरा 2 इंची हो गया। इसके ऊपर जोन सा गद्दा आएगा 5 इंची का आएगा, 3 और 5 इंची का मैं गद्दा इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि 5 इंची जाएगा, ये 2 इंची हो गया, 3 इंची गद्दा अपने ऊपर आ गया, और 3 इंची का ये आएगा, यानी कि दोनों का लेवल बराबर आ जाएगा, इनका दोनों का लेवल बराबर आ जाएगा। और जोन सा आपने बक्सा बनाना है वो इसी हिसाब से बनाना है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये होगी आधी इंची का तो हमने गैप दे दिया इसके नीचे, ठीक है, 1/2 इंची का गैप दे दिया, ऊपर नीचे भी हमारा लगेगा, तो हमें 12 mm की प्लाई और चाहिए, तो मैंने ये प्लाई रख ली 12 mm की। ठीक है, ये तो ढक्कन का हो गया, ये हमने जोन से मार्चन लगाने, ये उनका हो गया, ठीक है, ये हमारा वो हो गया, हमारा जोन सा बक्सा तैयार होगा ना, कुल मिला के हमारा जोन सा बक्सा तैयार होगा वो इतना होगा, 11 इंची 1 सूत का हमारा बक्सा तैयार होगा, क्योंकि ढक्कन भी आएगा मार्चन भी आएगा, ये हमने लेस कर दिया। ठीक है दोस्तों जैसे हम लंबाई का साइज लेंगे, अंदर का कैसा लेना चाहिए वो हमें जो सी ये हमने प्लाई लगाई है यहां से लेकर यहां तक, यानी कि हमें 2 या 2.5 सूत हमें लूज कर लेना चाहिए, 2.5 सूत ज्यादा नहीं करना है, फिर बक्सा आपस में लगा रहता है, 2.5 सूत के करीब हमने लूज करना, ये मैंने आपको बता दिया, आप चलो बक्सा बनाना चालू। दोस्तों दूसरे वाले बक्से की हमने ये साइडें तैयार कर ली हैं, अब क्या इसके अंदर हमने जो कि 2.5 की लकड़ है हमने 7 लकड़े डाली है, काफी हैवी ड्यूटी हमने कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब क्या करेंगे इनको हम होल मारेंगे क्योंकि हमने स्क्रू कसने हैं। दोस्तों ये मैंने होल कर लिए थे, इसके क्या मैं करूंगा इसके अंदर इसके साथ काउंटर संग होल करूंगा इसके साथ, जिसके साथ हमारा स्क्रू पूरा बैठ जाएगा, ये देखिए इस तरीके का होता है। इसी प्रकार हम सभी में कर लेंगे। दोस्तों अब क्या करेंगे हम, जो हमने नीचे की सपोर्टें तैयार की हैं, यहां से राइट एंगल में काटेंगे। दोस्तों राइट एंगल में हमारी कट गई है, ये देखिए कितनी जबरदस्त कटी है। दोस्तों मैंने सेकंड वाला बक्सा लिया है, तो मैं इसको स्क्रू इसके अंदर लगाएंगे, हम किस तरीके से लगाएंगे, और दोस्तों प्रॉपर मैं इसका आपको साइज भी बताऊंगा, मैंने कितना कितना इसका साइज लिया, कितना तैयार होगा। दोस्तों पहले क्या करना है, अपने 17 नंबर की कील मार लेनी 1/2 इंची की, उससे क्या होता है हमारी साइड काबू में आ जाती है, नहीं तो ऐसे काबू में नहीं आता, इधर उधर भागता रहता है। दोस्तों ये वाला पोर्शन मैंने कंप्लीट कर दिया, मैंने ये वाला भी कर दिया, अब रहा हमारा फ्रंट वाला, फ्रंट वाली तरफ हम क्या करेंगे प्लाई लगाएंगे। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, फ्रंट वाली प्लाई लगाने थामने का, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस पट्टे जो ये वाला जो फ्रंट का हमने प्लाई इसका कितना साइज रखा जाता है।
दोस्तों दोनों प्लाई हमारी लग चुकी है, फ्रंट और बैक की लग चुकी है। अब हमने इसके अंदर सपोर्टें दे दी, हमने 7 सपोर्टें दी हैं, ये भी हम स्क्रू से ही करेंगे क्योंकि इसके अंदर कहीं भी हमने कील नहीं मारी, कहीं जरूरत है अब हम मारेंगे, वैसे सारा काम स्क्रू पर ही होगा। अब मैं तो जैसे फेविकोल लगा के कस रहा हूं, आप बेशक इसमें एला डेट भी लगा सकते हो। दोस्तों दोनों तरफ फेविकोल लगा लेना। अब हम इसको यहां पर स्क्रू में ही दोस्तों हमने फेविकोल में डिप कर लिए, ये इससे क्या हो गया यानी कि मिस नहीं होगी, पकड़ बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। पर कल को आप जो अगर तोड़ना चाहो जो टूटेगा नहीं दोस्तों, ये इतना मजबूत हो जाएगा। इसी तरीके से हम सारी सपोर्टें लगा देंगे, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, नहीं तो ऐसे लगाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों एक तरफ की हमारी सपोर्टें लग चुकी है, हमने इसके अंदर पेच वगैरह कर दिए। अब क्या करके हल्की हल्की, क्या होता है किसी टाइम कोई भी लेडीज वगैरह साफ सफाई करती है तो हाथ में लगे ना, वैसे लगेगा तो नहीं, हम क्या करेंगे एक बार फिर इसको फाइनल रिंगन मार देंगे। दोस्तों कई भाई कहते हैं भी हमारा बैलेंस सही नहीं बनता। दोस्तों जो थी ये वाली हमने बटन लगाया ना प्लाई का, इसको हमने 1/4 इंची का एक जैसा रखना है ये, क्योंकि 2 सूत की प्लाई अंदर से आएगी, क्योंकि जो सा ये हमारा इसका है टॉप है इसका व्हील का, क्योंकि ये इसके साथ चिपकेगा, क्योंकि अगर ये कम बढ़ती हुआ ना तो क्या है हमारा बैलेंस सही नहीं आएगा। इस चीज को हमने जो सा बटन लगाना है एक ही साइज का लगाना है, अगर 1 इंची है तो 1 इंची लगाना है, अगर 1/4 इंची तो 1/4 इंची का रहना चाहिए। ये जितने भी बटन मैंने लगाए हैं सारे 1/4 इंची के लगाए हैं, और जो सी लकड़ है ये मेरी 1/4 इंची ऐसे है और 1.5 इंची ऐसे है, यानी कि 2.5 की लकड़ है हमने खीस में से निकाली है, ये खीस में से निकाल के लगाई है। अब क्या करेंगे अंदर की हम प्लाई डालेंगे। तो जो सी हमारी अंदर की बोटे सपोर्टें हैं उनके ऊपर हम फेविकोल लगा देंगे, उससे क्या होगा और ज्यादा मजबूती आ जाएगी, प्लाई हमारी कभी भी उखड़ नहीं पाएगी। दोस्तों नीचे की सपोर्टें हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमने क्या इनके ऊपर फेविकोल लगा दिया मजबूती के लिए। और दोस्तों जो सी हम ग्रीन प्लाई बोर्ड की जो सी स्टैंप है हम नीचे की तरफ रखेंगे, क्योंकि जो से कस्टमर वो कह रहे हैं हमें नेचुरल चाहिए, हमें पेंट वगैरह नहीं करवाना, जब कहता है हम इतना बढ़िया इसमें लगा रहे हैं इसके अंदर स्मेल नहीं है। दोस्तों स्मेल क्यों नहीं है, जो सा E0 हमारा ये जो सा प्लाई है हम लगा रहे हैं इसके अंदर नाम मात्र स्मेल है, क्योंकि जो सा E2 E1 होता है उसके अंदर स्मेल बहुत ज्यादा होती है। तो चलो अब हम इसकी प्लाई डालते हैं, स्टैंप हम नीचे की तरफ करेंगे इसकी। दोस्तों प्लाई हमारी डल गई, ये देखिए फिनिशिंग कितनी शानदार आई है, बिल्कुल एकदम जन की सिल गई है इसके साथ। बाकी इसके अंदर जो हम कीले मारेंगे, हम 1 इंच 17 नंबर की हेड वाली कीले मारेंगे इसके अंदर, सभी के अंदर कीले मार देंगे। दोस्तों हम तो ना दीवान कम बेड में यही कंप्लेंट आती है, हम लोग भी कंप्लेंट में जाते हैं तो देखते हैं क्या होता है, व्हील हमारा ऊपर की तरफ आ जाता है। ऊपर की तरफ क्यों आता है, क्योंकि हम लोग जो वुड करते हैं ना नीचे ऊपर हम सपोर्ट नहीं देते, हम यानी कि लॉक नहीं करते उसको, इस चीज को। मैंने ये 2.5 की लकड़ ली है तो मैं इसको यहां लगाऊंगा, ये देखो ये इस जगह लगाएंगे हम, क्योंकि जो व्हील हमारे इसके अंदर कसे जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम इस वुड को कैसे लॉक करेंगे वो भी मैं यहाँ पर कॉर्नर में लगाऊंगा, वो आपने आगे वीडियो में देखना है। इस तरीके से बनाओगे कभी आपको शिकायत नहीं आएगी, हाँ भी व्हील आपके टूट गई या व्हील वाली प्लाई ऊपर को चलेगी। दोस्तों जोन सी हमारी ये वाली स्पोर्ट है जिसके अंदर नीचे अपने व्हील के स्क्रू कसे जाएंगे, इसको हमने अच्छी तरीके से फेविकोल लगा लेना तीनों तरफ, एक तरफ ये होगी एक ये वाला एक ये वाला पोर्शन, अच्छी तरीके से फेविकोल लगा लेना इसको। और दोनों वुड को हम ऐसे ही कर लेंगे। दोस्तों जब से हमने अंदर वुड लगाई है बटन लगाया है जिसके अंदर हम ये वाला लगाएंगे व्हील लगाएंगे, हम क्या करेंगे इसको पक्का कर लेंगे पहले अच्छी तरीके से। फेविकोल यहां मैंने लगा दिया है, इसको एकदम पक्का कर लेंगे। दोस्तों ऊपर नीचे से हमने इस वुड को अंदर वाली को दोनों तरफ से हमने स्क्रू कर दिए, अब क्या करना है हमने साइड से भी कस देने हैं, हमने इसके अंदर कीले नहीं मानी, हमने सारे स्क्रू कसने हैं, ये देखिए। दोस्तों ये जो सी हमारी फ्रंट की प्लाई है हम क्या करेंगे इसके ऊपर डबल मारेंगे हम, मैंने ये क्या लिया है मैंने 6 इंची की ये ली है, ये प्लाई ली है अपनी वही 18 mm की, तो मैं इसको यहाँ लगाऊंगा। ये हमने इसलिए लगानी है क्योंकि कभी भी आदमी खींचता है इसको यहीं से पकड़ के खींचता है, ये चीज ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। और इसके अंदर जो सी 3.5 की लकड़ का ये मैंने बेड के ऊपर चढ़ा रखा तो अगर क्या आपको जीप सा लग रहा तो यहाँ पर ये हम यहाँ पर लगाएंगे, हमने इसका पहले ही दे दिया टक, तो यहाँ इस जगह लगेगा जी हमारा।
करो दोस्तों, हमने ये वाले गुटके लगाए हैं, ये देखो ऐसी इस कोने में लगेंगे, ऐसी उस कोने में लगेंगे। अब ये वाली हम लोग वुड डालेंगे। अब क्या करेंगे, इस वुड के नीचे भी 3.5 की लकड़ आएगी, यहां से भी स्क्रू कसेंगे, यहां से भी, और वुड के अंदर भी लगे। दोस्तों जी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कल को कभी भी खींचते हम लोग यहाँ से खींचते, या तो शायद यही आ गई, हमारा हमने हमारा सामने का जो था मत्था की प्लाई है ये, या बोर्ड का हमारा ये खुल गया, ये ऐसे कभी नहीं खुलेगा जिस तरीके से हम लगाएंगे इसको। दोस्तों 3.5 की सेंटर स्पॉट हमने उधर से पक्की कर दी है, अब हम इधर की तरफ से स्क्रू कर रहे हैं। दोस्तों ये हमने 2.5 की लकड़ लगाई है जिधर की तरफ हमारा कब्जा लगेगा, ये देखिए ये इधर की तरफ पक्की होगी तो ये इधर आ जाएगी, इसमें हमारा कब्जा लगेगा क्योंकि इतना 1.5 इंच के करीब ये अंदर भी चला जाएगा, ये ऐसा रहेगा क्योंकि बाकी वीडियो में आपको पता लगता रहेगा जिस तरीके से वीडियो बनती रही है। दोस्तों स्पोर्टें हमारी पक्की होगी है, अब क्या करेंगे हम जल्दी 3.5 की लकड़ है इसके नीचे भी एक स्पोर्ट मारेंगे, भी कल को नीचे ना जाए, बाकी 2 कोने उसके अंदर भी मारेंगे हम स्पोर्टें और इसके नीचे भी मारेंगे। दोस्तों एकदम ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि ये चीज बन जाएगी बम्ब। दोस्तों अब क्या करना है, हमने ये वाली एक एक स्पोर्ट इस कोने में एक लगाएंगे जैसे हमने उधर लगाई है, चारों कोने में ये अपने 2.5 की लकड़ लगा देंगे और बाकी जो थी 3.5 की ये वाली हमारी सेंटर वाली स्पॉट है इसके नीचे ये वाली लगाएंगे 3.5 की। और दोस्तों आपको साइज इसका पूरा पूरा रखना, ये नहीं कि लूज रख देनी है, पूरी परफेक्ट साइज आना चाहिए इसका क्योंकि इससे और ज्यादा सपोर्ट मिलेगी, इन लकड़ों से और मिलेगी। मैं क्या करूंगा अब इनको पेटल से कसेंगे। दोस्तों अब क्या करेंगे हम इसको फेविकोल लगा लेंगे, जितनी भी हमारी लकड़ी सबको फेविकोल लगा के एक एक कील के साथ बांधेंगे क्योंकि ड्रिल की हमारी बैटरी खत्म हो चुकी है तो बाद में स्क्रू कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, वैसे तो हमने इस प्लाई के अंदर भी टक्कर दे दिया था, बल्कि इसको और मजबूत करने के लिए इसको हम यहाँ पर नीचे लगा देंगे इस जगह। दोस्तों चारों कोनों हमने अच्छी तरीके से बांध दिए और ये वाले भी बांध दिए स्पोर्टर, ये मजबूत इतना हो गया, ये देखो यानी कि सारी जिंदगी ये जाएगा नहीं क्योंकि स्पोर्टों का ये फायदा है। इसी तरीके से आप भाइयों ने लगानी है कि कभी आपको शिकायत नहीं आएगी। अंदर से एक बार फिर आपको घुमा के दिखा देता हूँ, ये देखिए और आपको इस बक्से का मैं साइज भी बताऊंगा कितना है। अब क्या करेंगे हम इसके नीचे के व्हील लगाएंगे। व्हील का तरीका दोस्तों बड़ा ही अच्छा तरीका है, कई भाई मुझे बोलते हैं कि हम जैसे फ्राई रेल के व्हील लगाते हैं वो चलते नहीं। दोस्तों इसका भी एक तरीका, वो भी आपको बताऊंगा किस तरीके से लगाना है, जोन सा बैलेंस आपका बिल्कुल 0-0 रहेगा। दोस्तों मैं जोन सा दीवान कम बेड में व्हील लगा रहा हूँ, मैं फ्राई रेल के लगा रहा हूँ क्योंकि इनको एक बार लगाने के बाद समझो शिकायत कभी नहीं आएगी। पर इनका लगाने का तरीका क्या है, जैसे कोई भी हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं, हमारी ये गाड़ी का अगर चक्का बिगड़ जाए तो समझो उसका बैलेंस बड़ा आउट हो जाता है। तो हमारा काफी लोग मुझे फोन करते हैं कि हमारा दीवान भारी भरा चल रहा है, हमने कमी। तो दोस्तों इसका लगाने का तरीका क्या है, वैसे तो मैं फ्राई रेल के जितने भी व्हील लगाता हूँ तो आप भी मैं यही करूंगा सिलेक्शन के फ्राई रेल के व्हील ही लगाएं। दोस्तों इसमें क्या लगाने का तरीका, तो हम क्या जब इसको व्हील को लगाते हैं हम क्या करते हैं इसके साथ मिला के नहीं लगाते, या तो आपको गैप देना है इसके साथ 2 सूत की प्लाई, हम क्या करते हैं हल्का सा इसको टेढ़ा कर दिया। दोस्तों एक व्हील सीधा होता है, जब टेढ़ा होगा ना ये वाला व्हील टेढ़ा होगा तो यानी कि एक तरफ को खींचेगा, तो हमने क्या करना है इसके साथ मिला के और आगे से जो सा गैप दे देना है 1/2 इंची का दे देना है, आधी इंची की प्लाई रख के फिर हमने व्हील कसना है इसके साथ, यानी कि चिपका हुआ रहे ये वाला। अगर हल्का सा यहां से चिपक गया हल्का, आधा सूत भी आपका आउट हो गया ना, समझ लो ये वाला व्हील ना एक तरफ को टेढ़ा जाएगा, एक तरफ को टेढ़ा जाएगा, जो सा आदमी इसको खींचेगा ना वर्क जान की सही ढंग से करेगा ही नहीं, हमेशा आपको शिकायत आएगी। ये इस तरीके से लगते हैं, बाकी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ आपको। और इसके अंदर एक एक हम वाशर भी डालेंगे और मजबूती के लिए, ये मैंने लगाया, इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं। दोस्तों काफी मुझे कारपेंटर भाई फोन करते हैं बिट कौन से इस्तेमाल करते हैं, ये भी मैं बताऊंगा, आपने वीडियो में बने रहना क्योंकि बहुत कुछ आपको मैं दिखाऊंगा इसके वीडियो में, नई नई चीजें। ये देखें ये मैंने प्लाई लगाई थी, ये मैंने निकाल लिया। तो इसी तरीके से हम चारों व्हील लगा लेंगे।
दोस्तों चारों व्हील मैंने लगा दिए, मैंने आपको बता भी दिया किस तरीके से लगाते हैं। जोनसन इनका बैलेंस बिल्कुल जीरो जीरो रहता है, यानी कि कभी भी कोई भी कस्टमर वगैरह लेता है उसको दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल एकदम आसानी से खुल जाता है। आमतौर पर क्या होता है, कस्टमर खोलता कहता है मेरा बक्सा इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, प्रॉपर खोल नहीं रहा, उनमें यही दिक्कत होती है, हम व्हील सही ढंग से बैलेंस नहीं करते। आपने इसी तरीके से लगाने जो मैंने आपको तरीका बताया है। दोस्तों हमने जो से ये स्क्रू किए हैं कि इनके अंदर गड्ढे हो जाते हैं, ऐसे होल हो जाते हैं, डीप में चले जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको लॉक नहीं करते, इनको लॉक करना बहुत जरूरी है। जैसे ये देखिए ये सारे हमने कर रखे हैं, हम क्या करते हैं इसके ऊपर सरमाइका ऐसी लगा देते हैं, वो प्रोसीजर गलत है। हम इनको लॉक कैसे करेंगे, मार्केट में अवेलेबल है ये वाला जेल, ये आपको मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा खोलेंगे और हल्का सा और इसके ऊपर क्या हम करेंगे, ब्रादर डाल देंगे। और फिर इसके ऊपर हम ये जेल डाल देंगे। फिर इसको क्या करेंगे, ये भी मार्केट में अवेलेबल है एक्टिवेटर, इसके ऊपर हम ये मार देंगे। इसके साथ क्या होता है, एकदम जोनसा काम हमारा 5 मिनट में होगा, सिर्फ सेकंड में ही हो जाएगा। ये देखना इसका रिजल्ट कितना जबरदस्त आएगा। इसी तरीके से हम सबको कर लेंगे। दोस्तों अब क्या करेंगे, इनके ऊपर हम हल्का हल्का प्लेनर मार लेंगे, उसके बाद सैंड पेपर की मदद से भी इसको कर देंगे। ये देखिए हमारा बिल्कुल प्लेन आ गया, बाकी सैंड पेपर के साथ भी कर देंगे, बाकी मैं आपको फाइनल इसका करके दिखाता हूं, सभी में हम ऐसे प्लेनर लगा लेंगे। और दोस्तों जो ये वाला पीस हमने लगाया, इसको बाहर से भी हम स्क्रू कर देंगे तीन, और इधर से भी कर देंगे। दोस्तों इस वजह से हमारा फर्स्ट वाला बक्सा है, इसके अंदर हम बफर लगाएंगे। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, व्हील हमने लगा दिए इसके अंदर। ये देखिए कितना फ्री चल रहा है। ये हमने जो उनसे हल्का सा गैप छोड़ा ना, बाद में हमने यहाँ पर मार्चर लगा दिया 1.5 सूत का। ये हमने गैप इसलिए छोड़ा क्योंकि यहाँ कपड़ा आएगा, अगर हम इसके बराबरी कर देते तो क्या होना था, ये चीज फिर बैक मारती है हमारी। अब देखो बिल्कुल साथ में चिपक गया ये। और दोस्तों एक चीज मैं और बताऊंगा आपको, हम यहाँ पर क्या बॉल बैरिंग लगाते थे, अब उसकी जगह एक नई चीज, इसकी जगह एक नई चीज हम लोग लगाएंगे इसकी जगह, वो भी आपने देखना है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसमें पहले सरमैका लगा देंगे, उसके बाद इसका ढक्कन डालेंगे। और दोस्तों इसकी हमने रोक नहीं लगाई, अभी रोक नहीं लगाई, रोक हमें अभी लगानी है, वो भी मैं बताऊंगा किस तरीके से लगेगी ये। दोस्तों इसकी पलाई हम बाद में डालेंगे क्योंकि भारी बहुत ज्यादा हो जाएगा, पहले हम अपने साइडों के सरमैके लगा लेंगे। और दोस्तों सरमैके का ये भी बताऊंगा मैं कौन सी कंपनी का ब्रांड का इस्तेमाल कर रहे हैं सरमैका। दोस्तों इसमें जब हमने सरमैका लगाना है, ये वाला हमने एक ही शीट में से लेना है, यानी कि ग्रेनों में फर्क नहीं आना चाहिए। ये देख लेना, ये ना हो कि आधा पीस उधर लग जाए आधा उधर लग जाए, आपने काटते समय इनके ऊपर निशान लगा लेने हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। चलिए इस सरमैका काटते हैं। दोस्तों जब हम मैका काटे इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि हमें जैसे मैंने बोला था हमें ग्रेन मिला के रखने हैं, क्योंकि ये छोटे वाला बक्सा अंदर जाएगा, ये बड़े वाला बक्सा बाहर का, तो हमें जो उनसे ग्रेन मिलाने हैं, क्योंकि कल को कोई भी देखे हमें ग्रेन एक जैसे नजर आने चाहिए। हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ ये ऐसे दक्षिणी का निशान लगा लेंगे, तो इधर की तरफ भी लगा लेंगे, जैसे लेफ्ट के दो होंगे राइट के दो होंगे, तो यहाँ पर हम ए लिख लेंगे कोई भी बेसिक एक भी, तो हमें पता लगेगा ये पीस इसके साथ का है। ये छोटी छोटी बातें होती है, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही हमें एक अच्छा कारीगर बनाती है।
दोस्तों जैसे कि शुरू से लेकर एंड तक आपने देखा है हमने E0 प्लाई का ही इसमें इस्तेमाल किया है। दोस्तों E0 प्लाई बोर्ड की एक खासियत और है, जितने भी हम नॉर्मल बोर्ड इस्तेमाल करते हैं वो हमारे राइट एंगल में नहीं होते, धार सीधी नहीं होती, तो उनमें हमारा काफी टाइम लग जाता है। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है, एक तो बिल्कुल सीधी है, इसकी धार बिल्कुल सीधी है और ये राइट एंगल में बिल्कुल 0-0 है। अगर उधर से आपका सहज एक जैसा ही है तो इधर से भी एक जैसा ही होगा, यानी कि काफी सहूलत मिलती है हमें, टाइम हमारा काफी बचता है, यानी कि राइट एंगल करने की जरूरत नहीं। जितने आज तक मैंने काफी बोर्डों का काम किया पर उनमें से यह सबसे मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि पहले भी मैंने इस्तेमाल किया, मैं कहा चलो इस पर विस्तार से एक वीडियो बना ही देते हैं। दोस्तों ग्रीन प्लाई की एक खासियत हो रहा है E0 की, कि जैसे आजकल हाई ग्लोस वगैरह होता है, मैट हो रहा है, पीयू हो रहा है, तो नॉर्मल बोर्ड में क्या होता है उसके अंदर क्या होता है, ढबके वगैरह होती, वो हाई ग्लोस में चल नहीं पाता, हम लोग परेशान होते हैं, पेंटर को कहते हैं या वो क्या कहता है, भाई सर नीचे का बेस ही ऐसा तो मैं क्या करूं। दोस्तों उसके लिए सबसे बेस्ट है E0 प्लाई। ये देखिए इसके अंदर जो सा रिजल्ट आता है बिल्कुल 0-0 आता है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने शीशा किसी ने लगा दिया हो, इसका रिजल्ट इतना जबरदस्त आता है। और कई कारपेंटर भाई पूछते हैं ये हमारा यार फूल जाता है, ये सनमाइका वगैरह लगाते हैं, भाई से सनमाइका भी अच्छी कंपनी का लगाया, एडहेसिव भी अच्छी कंपनी का लगाया, ये फूल के क्या। दोस्तों इसमें लोकल प्लाई बोर्ड में क्या होता है, जो उनकी ये सतह होती है ये उतर जाती है, तो काफी टाइम बाद किसी को चल गया, दो पहले हमने सही लगाया था, 2 महीने बाद मिस्त्री चलेगा फिर ये। दोस्तों इसमें यही कंप्लेंट रहती है, क्योंकि उनका जैसे नीचे की परत होती है ऐसे केमिकल होते हैं कि इतने हल्के होते हैं कि उनकी उनकी सतह उतर जाती है, तो उनमें शिकायत आती है। तो इसमें मैं यही आपको राय दूंगा, बेशक कोई कारपेंटर भाई वीडियो देख रहा है, बेशक कोई अन्य कोई देख रहा है, तो दोस्तों सभी का मन पसंद है, यानी कि इसका रिजल्ट बड़ा बेस्ट आता है। हमें शिकायत रहती है कि हमारा सनमाइका फूल गया, अभी सेटिंग नहीं हो रही, उसको लगाने का यह तरीका, सर्दी में जैसे आपने सनमाइके में भी अपना एडहेसिव लगा लिया और प्लाई पर भी लगा दिया, उसको क्या करना है 2-3 मिनट के लिए ना उसको छोड़ दो, जब आठा जाए ना टाइट हो जाओ, उसके बाद प्रेस करो, कभी भी आपका वो शिकायत नहीं आएगी अगर आपका प्लाई बोर्ड सही है तो, नहीं तो अगर वो लोकल जैसा मर्जी कर लो वो फिर फूलना ही फूलना है। दोस्तों मैके हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये देखिए सारे प्रेस हो गए, अब क्या करना है हमने ये वाले बॉक्स की प्लाई डालेंगे, वो भी बताऊंगा किस तरीके से हमें इसका साइज रखना है। दोस्तों मैंने इसके अंदर ब्रेक लगा दिए हैं, अभी हमारा बक्सा बाहर नहीं आएगा, वो भी मैं बताऊंगा मैंने किस तरीके से लगाए हैं, ये देखिए। अब जो सा इसका साइज है पूरा 6 फुट है, जैसे अपना डबल बेड का साइज होता है। अब क्या करेंगे हम लोग इसके ऊपर प्लाई लगाएंगे। दोस्तों ये हमने ऊपर का प्लाई का ढक्कन काट लिया है। दोस्तों इसकी जो सी टक्कर है आपने इतनी मुलायम कर लेनी है, यानी कि कटिंग के बाद, यानी कि पहले तो आपने रेगमा लगाना है इसके ऊपर, रेगमा के बाद सबसे बारीक रेगमा जैसे 120 नंबर का मेरे पास, इतना कर लेना कि विदाउट पॉलिश भी कोई इसके ऊपर हाथ फेरे ना तो लगना नहीं चाहिए हाथ में। मुझे अपने फादर की याद आ गई, मेरे फादर, मैं थोड़ा सा पंजाबी से बोलता क्योंकि वो पंजाबी बोलते थे, वो हमेशा कहते थे कि भोले बेटे कभी भी तुम प्लाई कटो, प्लाई कटना है तू तो हमेशा इधर पर क्या करना है कि फेविकोल ना टल्ली पे के इधर ऊपर फेर दिया कर। मैंने पूछना कि मैं पापा जी बोलता, मैं पापा जी किस लिए करना है, कहना बेटे सारी जिंदगी दी कदी छिलका नहीं उतरनी है, कदी दी तय नहीं खुलेगी, टल्ली हम पंजाबी में कहते हैं कपड़े को, यानी कि फेविकोल और हल्का सा पानी मिला के, यानी कि फाइनल कर लो तो इसकी धार के ऊपर मार दो, कभी इनकी तह नहीं खुलती। तो दोस्तों बड़े सियाने की बातें हैं, वो नहीं रहे फिर भी उनके तजर्बे, जो यूट्यूब चैनल है जितना भी सिखाता हूँ उन्हीं की बदौलत है। दोस्तों प्लाई हमने इसकी डाल लिया, अब क्या करेंगे इसके ऊपर कब्जा लगाएंगे, कब्जे के बाद हम ये हैंडल लगाएंगे। दोस्तों हैंडल भी जो है मैं स्टेनलेस स्टील के इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये देखिए ये मेरे पास मैग्नेट है, ये देखिए इसमें कीले लग गई, ठीक है ना, ये स्टील का मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्टील का है, छोड़ देते हैं, ये देखिए इसमें मैग्नेट काम ही नहीं करती, ये यानी कि ऐसे इसका स्टील का है, ये सारी जिंदगी ऐसे क्या ऐसे ही चमकता हुआ रहेगा। दोस्तों दोस्तों इसके अंदर हैंडल लगा रहे हैं, ये इसका सेंटर है, सेंटर में हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ सरमैके की पट्टी लगनी है, यहाँ पर बॉल कैस्टर इसके ऊपर चलेगा और इसके अंदर की तरफ भी हम इसके ऊपर माइका लगाएंगे। तो एक हैंडल इधर लगा दिया, एक इधर लगा दी हमने, पास पास में लगाए, दूर नहीं लगाए क्योंकि आराम से हाथ पर लग जाएगा इसके। दोस्तों कब्जों के स्क्रू कसेंगे हम लोग,
इसी प्रकार वो वाले भी किस्म होंगे। दोस्तों प्लाई के ढक्कन के अंदर की सपोर्ट हम कर रहे हैं तैयार, जो आपने उसको ढक्कन को उठा के रखेगी। यहाँ पर दोस्तों प्लाई के लिए सपोर्ट लगाएंगे, ये हमने गुटका तैयार किया है, इसको हम यहाँ इससे हल्का सा इससे डाउन कर देना है क्योंकि हमारे ढक्कन पर लगे ना। दोस्तों इसके अंदर हम 3 इंची के पेज कसे हैं क्योंकि 1 इंची की हमारी वुड है, तो हमने इसके पीछे भी वाशर रख ली, इधर भी रख ली, तो इधर की तरफ भी हम इसके वाशर रख लेंगे, ये हमने रख ली। हल्का सा इसको ठोक देंगे और इसको कस देंगे। दोस्तों यहां कील नहीं मारनी, अपने स्क्रू ही मारना है इसके अंदर। अब ये डाउन हो गया। अब दोस्तों बाकी जो हमारा काम बचा है इसके ऊपर सनमाइका की पट्टी लगाएंगे हम। दोस्तों इसके ऊपर हम क्या करेंगे, 2.5 इंची की सरमैके की पट्टी चिपकाएंगे। ये हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर हमारा बफर चलेगा, अगर हम प्लाई के ऊपर लगाएंगे तो प्लाई हमारी बिल्कुल खराब हो जाएगी। इसके ऊपर एक तो स्मूथ बड़ा चलेगा, ये यहाँ लगाएंगे। जो हमारी नीचे सेंटर की लकड़ 3.5 की लगी है जो उसके सेंटर में लेना हमने, और पीछे भी एक पीस लगाएंगे। अगर मैं दोस्तों लगा के दिखाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ये आप सब लोगों लगा देंगे, ये मैं लगा देता हूँ। दोस्तों इसके ऊपर हम हाफ राउंड गोला नहीं लगाएंगे, हमने क्या किया है 1 इंची 1 सूत के लेके आगे से इसको गोल कर दिया थे, हाफ राउंड में कर दिया। हम ये वाली पट्टी लगाएंगे इसके ऊपर ऐसे, ये देखिए बड़ी खूबसूरत लगती है, आगे की तरफ निकल आती है 2 सूत के करीब और काफी अच्छी लगती है, यानी कि पावरफुल बेड से लगता है ये, हमारी शो काफी गेटअप अच्छी निकलती है। अब हम इसको लगाएंगे। दोस्तों किले इसलिए ऊपर रख दी क्योंकि इसमें हमारे जैसे मार्चर में दागना पड़े हथौड़ी का, बाद में इसको डाउन कर देंगे हम लोग। दोस्तों मार्चन हमारा लग चुका है, ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। ये सारा टीक वुड सागवन का है, ना कि MDF का, हमने गत्ते का नहीं लगाया, ये टीक वुड में लगाया हमने। दोस्तों दीवान कम बेड हमारा तैयार हो चुका है, जो हमने ग्रीन प्लाई बोर्ड से बनाया, मैं एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। दोस्तों एक बार मैं आपको इधर से भी दिखा देता हूँ ग्रीन प्लाई बोर्ड। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद।